अस्सलामुअलैकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट किस्म का व्यू लेके आया हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। आज के रिव्यू में हम बेसिकली कवर कर रहे हैं, हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लेके काफ़ी ज़्यादा फाल हैं और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में बाय 2030 जितनी भी है आपकी ट्रांसपोर्ट उसमें खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशियल फेज़ में सारी जो इलेक्ट्रिक होने लगी है। मेरे साथ अली मौजूद हैं जो कि साजगार इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान में इन्होंने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है ये एक प्रोटोटाइप इसकी डेवलप की है। सो अली, इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है ये कितने किलो वाट्स की है और इसकी जो चार्जिंग है वो कितने घंटे में होती है? मोटर इसकी 3 किलोवाट है, ठीक है। 6.5 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, इट इज़ नॉट लेड एसिड, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी तकरीबन 5 घंटे में ये फुली चार्ज हो जाती है, ठीक है। 5 घंटे में ये आपकी पूरी 100% चार्ज होगी और एक चार्ज पे कितने किलोमीटर चलेगी? एक चार्ज पे तकरीबन 120 से 160 किलोमीटर के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आपकी ड्राइव कैसी है, ठीक है। सो अगर 120 जो है वो हम निकाल लेते हैं किलोमीटर और एक चार्ज की हम टोटल कॉस्ट निकालें तो मैंने जो कैलकुलेट किया मेरे ख्याल से ये आपकी तकरीबन 5 से 6 यूनिट खाएगा बिजली के, बिल्कुल, विच कम्स अराउंड टू बी 1 रुपीज पर किलोमीटर, ऐसा ही है। और अगर हम पेट्रोल में यही रिक्शा को चलाएं उसकी एवरेज अगर हो 25 या 20 किलोमीटर एक लीटर में तो वो तकरीबन 5 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट करता है, बिल्कुल ऐसा ही। सो 5 टाइम्स आता है वो, ऐसा ही। सो उस लिहाज से तो ये एक बड़ी ऑप्शन अच्छी है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो अपने लिए रोजगार के लिए चीज़ को चलाता है, बिकॉज अगेन उसको कस्टमर से जो प्राइस मिल रही है वही रहेगी पर किलोमीटर, बट उसकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी, ऐसा ही है। इसमें एक बहुत बड़ी और सेविंग है, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस कंपेयर टू अ पेट्रोल रिक्शा बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इसके मूविंग पार्ट्स जो है ब्रेक पैड हो गया इस तरह की चीज़ें सिर्फ मेंटेनेंस में आएंगी, वेयर एंड टेयर खाली उन वेयर एंड टेयर का पार्ट, ना इंजन ऑयल डालना है, ना एयर फिल्टर चेंज करना है, ना ऑयल फिल्टर चेंज करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी एकदम जो पिक भी है वो बहुत अच्छी है, मतलब बीइंग इलेक्ट्रिक मेरा ख्याल है ये काफ़ी हमारी जो एक नॉर्मल अच्छी गाड़ी की पिक होती है उसके करीब करीब इसकी पिक है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में इंस्टेंट टॉर्क होती है, सही है। जिस तरह आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया में नई आई हैं और इतनी इतनी स्पोर्ट्स कार को मार रही हैं, ऐसे ही है। तो ये भी हम रिक्शे में यही कहते हैं कि इट इज़ वेरी फास्ट कम्पेयर टू नॉर्मल, बिल्कुल आम रिक्शा। और ख़ासतौर पर जहाँ पे शहरों में रश बहुत है वहाँ पे तो ये बड़ा उनके लिए यूज़फुल है कि रिक्शा अगर फंसा हुआ है रश में तो आप जल्दी जल्दी गुजर भी सकते हैं और एक अच्छी सेविंग भी है। अच्छा, लेकिन उसके लिहाज से दूसरी तरफ आ जाते हैं बिकॉज ये एक नई टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट वाइज ये तकरीबन कोई अंदाज़ा अगर आप दे सकें तो आम रिक्शे से कितना को महंगा होगा? इशू ये है कि लिथियम आयन बैटरीज इस वक्त दुनिया में बहुत महंगी हैं, ठीक है। बैटरीज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बन नहीं रही, बाकी सारा रिक्शा पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में बना है, सही है। एवरीथिंग इज मेड इन पाकिस्तान एक्सेप्ट बैटरीज, यस। मोटर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पार्ट्स के अलावा सारा कुछ यहाँ बना है, सही। तो प्राइस में अगर आप लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड को करते हैं तो लेड एसिड का रिक्शा फिर भी सस्ता मिल जाता है, सही है। बट ना उसकी राइड रेंज इतनी है, ठीक है। 6 महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, ठीक है। इसकी तकरीबन 5 से 7 साल की परफॉर्मेंस गारंटी है, ठीक है। इस तो बैटरी की लाइफ जो अगर मैं आज ये लेता हूँ तो 7 साल तक बैटरी की 5 से 7 साल तक, जिस तरह इंसान चलाते हैं हर बंदे की डिफरेंट होती है, सही है। तो उसके हिसाब से ये 5 से 7 तक बैटरी की वारंटी होगी, बिल्कुल ठीक है। और ये प्राइस में ये एक नॉर्मल रिक्शा इस वक्त अगर 2.5 लाख रुपए का है तो एस्टिमेटेड है कि 4.5-5 लाख रुपए तक इसकी कीमत चली जाएगी, ठीक है। वो देखिए अगर डबल कॉस्ट है तो अगर 5 टाइम सेविंग भी दे रहा है और अगर हम इसको निकालें ऑन एवरेज महीने की सेविंग निकालें तो मेरे ख्याल से जो इसकी कॉस्ट है वो आपको विद इन 5-6 मंथ जो है वापस आ जाएगी। यही बात समझाने वाली है रिक्शा ड्राइवर को कि इनिशियल कॉस्ट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो ये बंदा 6 महीने चलाएगा या चलो साल चला लेगा तो उसका रिक्शा एक तरफ से फ्री हो जाएगा, ठीक है, कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल रिक्शा। अच्छा, अब सेफ्टी के लिहाज से जो इसकी बैटरीज हैं वो मेरी ड्राइविंग सीट के नीचे है, बिल्कुल, और जो मोटर है ड्राइव मोटर वो मेरे नीचे, ठीक है। और आप इसकी चार्जिंग का बताते हैं कि चार्जिंग का, क्योंकि मुझे काफ़ी गाड़ियों में भी, हमने ऑडी की भी किया था या ईट्रॉन का किया था या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हम करते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी कि इनकी जो चार्जिंग है वो कैसे होती है। हमने इसमें एक बहुत एडिड फीचर डाल दिया है कि हमने इसका चार्जर गाड़ी के अंदर ही बिल्ट इन कर दिया। अच्छा, बेसिकली सो इसका जो चार्जर इसके अंदर चार्जर नहीं है, दिस व्हीकल के इसके अंदर ही इसका चार्जर है, ठीक है। सो चार्जर हमने इसका अंदर बिल्ड किया है,
एनी टू पिन सॉकेट, ठीक है, कहीं भी आप फंस जाते हैं या कुछ हो जाता है, नॉर्मल स्विच जो आपको एनी भी नॉर्मल टू पिन सॉकेट उसमें ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपके गाड़ी के चार्जर वो बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, हाँ जी, वो अलग यूनिट होता है, हमने बिल्ट कर दिया इसके अंदर चार्जर। एक चार्ज कितनी देर में होगा? ये 5 से 6 घंटे के अंदर, 5 से 6 घंटे में अनइंटरप्टेड सप्लाई के साथ 6 यूनिट मैक्सिमम में फुल चार्ज हो जाएगा। और ये जिसका मीटर है इसके अंदर स्पीड है, उसके अलावा और क्या क्या है इसमें? स्पीड है, बैटरी का इंडिकेशन दे रहा है वगैरह दिखा रहा है, या वोल्ट से आपको पता लग जाएगा कि कब डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। बट इसका मीटर डिजाइन विद टाइम और मॉडर्न करेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी चीज जो कि नई आती है, लोगों को शुरू में थोड़ा अडॉप्शन में टाइम जरूर लगता है, बट ये एक ऐसी चीज है अगर आप इसके नंबर्स को वर्क करें तो मेरे ख्याल से इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू गो विद एन इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो ये था आज का एक वॉक अराउंड जिसमें हम आपके लिए साजगार के जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है जो कि अभी एक प्रोटोटाइप है और इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों में मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये थी आज की वीडियो, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदों वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।